तू ना मेरी फिक्र ना कर, मेरी कुंडली परफेक्ट है। किरत कितनी बेशर्म है ना तू, दूजियां दे होण वाले घर वाले ते नजर रखी हुई है। तेरी माँ ने तेनू ये संस्कार दिते ने? मेरी मम्मी दे दिते हुए संस्कार करके मैं चौपा किरण आंटी, नहीं तो जो धोखा तुसी शमी अंकल नू रल के दे रहे हो ना, उसकी सजा सीधा जेल है। जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गया ना, उस दिन तुहाड़ी सब दी बोलती बंद करके ही रहांगी। ये मेरा वादा है तुहाड़े नाल। इरा वी एक वादा है तेरे नाल कि सरतार दा विआह अर्शप्रीत नाल तेरी अखां दे सामने करवावांगी। वैसे सियाने ठीक कहंदे ने, झूठ दे पैर नहीं हुंदे। जिस दिन सच सामने आएगा ना, उस दिन तुहाड़ा ये झूठ मिट्टी होने से टाइम नहीं लगेगा। हुणे भी टाइम है आंटी जी, रब को डरो, क्योंकि जो वो इंसाफ करता है ना, तो किसी से तरस नहीं खाता। तुसी सारे रल के मेरी मम्मी की जिंदगी नाल खेड रहे हो ना, तुहाड़ी जिंदगी का भी मजाक बनने नू ज्यादा टाइम नहीं लगना। क्योंकि ये ना भुल्यो कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मुझे लगता है आज मॉम ते कीरत च जरूर कुछ हो ही रहेगा। मैं सरताज तो बिना ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, पर मैनू ये भी पता है कि इस टाइम वो मेरा साथ नहीं देगा। मैनू प्रभजोत आंटी दे झूठ ने इन्ना डराता है कि हुण वो मैनू प्यार करन तो भी डरता है। हाँ कीरत, मैं डरता, मैं डरता कि कितने साडा प्यार तेनों अपने तो दूर ना करते। मैनू पता मैं तेरे दिल दुखा रहा, पर मैं मजबूर हाँ कीरत। किसी भी कीमत पर इस कीरत का गुरूर तो तोड़ना ही पैना है। इन्हू दसना पैना है कि सरताज हुण इहदा नहीं अर्शप्रीत का हो चुकिया है। बाबा जी, मैनू तो समझ नहीं आ रही कि जे शम्मी मेरी इन्नी फिक्र करता है तो मैनू इग्नोर क्यों करता है। शम्मी, गुरमन, राम मिल इत बैठ, बैठ करो। गुरमन, तेन डॉक्टर ने आराम करने लिए कहा ना, फिर तू ये सब काम क्यों कर रही है? गुरमन, इन्नी बेचैनी तेन केड़ी गल दी है? गुरमन, जिंदगी इन्नी उलझ चुकी है कि कुछ भी समझ आना बंद हो चुका।
गुरमन तेरे दिल च कोई गल है जिहड़ी तैनूं परेशान कर रही है मैनूं खुल के दस। मनिंदर जी शम्मी साडा दोस्त है, मैनूं समझ नहीं आउंदी इस गल दी खुशी मनावां कि दुखी होवां। ओहदी फिकर वेख के मैनूं लगदा है कि साडा शम्मी पहलां वरगा ही है, साडा प्यारा दोस्त। पर जदों मेरे कोल दी मैनूं इग्नोर करके लंघ जांदा तो मैनूं इदां लगदा जिवें ओह मैनूं जाणदा ही नहीं। गुरमन हुण दोबारा कोई गल होई है? गुरमन शम्मी एक बहुत वधिया इंसान है, साड़ी बहुत फिक्र करता है, पर इस वेले हालात ये ने कि उहदियां अखां अगे रब जो ते झूठ की पट्टी बनी हुई है जो असीं चाह के भी उतार नहीं सकते। उत्तों तों जो मैनू ते किरत नूं सौंह खवा के रखी है उन्होंने साडे हथ बन्ने हुए गुरमन, पर कोई गल नहीं मैनू पूरी उम्मीद है कि एक दिन इस झूठ का पर्दाफाश हो के रहेगा, तो जिस दिन यह सच सामने आ गया ना गुरमन तो देखी उस दिन साडा शम्मी सानू दोबारा अपना लेगा। इस चक्कर च तू होर स्ट्रैस ना ले, ये सब असीं तां ही कर सकते हैं जे तू ठीक रहेगी। हुण कोई टेंशन नहीं लेनी, बस रेस्ट कर। ओके? पर मनिंदर जी कीरत नूं तकलीफ च देख के मैं आराम किवें कर सकती हाँ? पहला उहदे कोले सरताज सी, उहदे हौसले च उड्डी फिरदी सी, पर हुण उह बिल्कुल इकल्ली रह गई है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਤਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀਰਤ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? अच्छा जी, जे ये गल है इसका मतलब तुसी मेरे दिल दी भी हर गल समझते हो, है ना? बिल्कुल। मम्मी तुसी ये क्यों नहीं समझते कि मेरे दिल च तुहाडी फिकर चल रही है? डॉक्टर ने की कहा है तुहानू कि तुसी किसे गल दी कोई टेंशन नहीं लेनी, इन्ना सब कुछ होने के बावजूद भी जे तुसी दुखी रहोगे तो मेरा की बनूगा? मैं इस करके नहीं हारांगी कि सरताज मेरे तो दूर है, इस करके हारांगी क्योंकि तुसी दुखी रह रहे हो। तुहाडा दुखी होना मेरा हौसला तोड़ रहा है मम्मी। सही कहा किरत, तेनू टेंशन ले लेके दुखी रहने की आदत हो गई गुरमन, तू प्लीज अपना ध्यान रख, रिक्वेस्ट है। जे अपने करके नहीं तो फिर साडे करके प्लीज। अब ठीक है, मैं तुहाडे दोहां दी गल मान लैनी हाँ, पर एक प्रॉब्लम है। केड़ी प्रॉब्लम?
मेनू भूख लगी है। ये भी कोई प्रॉब्लम हुई? तू दस खाना की है? आज मैं तो हाड़े दोनों वास्ते खाना बनावांगा। जे आज तेरे पापा ने खाना बनाया ना तो आपां नूं दोवां नूं भुखे ही सौना पै जाना। तुसी सही कह रहे हो मम्मी, ये गल दी टेंशन तो मैनू भी है। पापा तुसी क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हैगी आ ना, अज मैं तुहाडे दोनों वास्ते खाना बनावांगी। आंटी जी मैनू इदा लगता है कि तुहानू अर्शप्रीत दी ना कुंडली किसे बाबे तो चेक करवानी चाहिए है। आखिर पता तो चले कि इदा व्याह बार बार कैंसिल क्यों हो जाता है। मैनू लगता है कि इदी कुंडली च ना पक्का कोई भारी दोष है। भाभी तुसी कदों तक ऐसे परेशान होते रहोगे, बैठ जाओ प्लीज। की सोच रहे हो भाभी? किरण जोत मैंने एक गल बहुत तंग कर रही है, सरतार ते अर्शप्रीत दे विआह च बार बार इन्नियां प्रॉब्लम्स आ रहीआं ने, कितें कीरत दी गल सच तां नहीं? भाभी तुसीं उस कीरत दीआं गल्लां नूं सीरियसली किवें लै सकदे हो? ओह कुड़ी तुहाडे दिमाग च गल्लां इसे लई पा रही है कि तुसीं अर्शप्रीत ते सरताज दा विआह कैंसल कर दो। मैं उस कीरत दी गल्लां च आ के कुछ नहीं बोल रही, मैनूं हुण खुद वी इदां ही लग रिहा है। फिर हुण तुहाडा की प्लान है आंटी जी? आंटी जी तुहानूं यही लगता है ना कि ये विआह मेरे करके रुक रहा है, तुसीं मेरे बारे लाल रंगी बाबा जी नूं पुछ लो। पर तुहानूं पता है वो अजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब उस कीरत दा प्लान है जो अपने प्लान विच कामयाब हो चुकी है। वो तो तुहानू अपनी गल्लां विच फसाना चाहुंदी सी ते तुसी फस भी चुके हो। चलो ठीक ही है, इसे बहाने मैनू ये तो पता लगा कि तुसी मेरे तो वध उस कीरत ते भरोसा करदे हो। अर्शप्रीत क्यों हर गल दिल ते लैनी है? तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं उस कीरत दी गल्लां जाके शायद कुछ भी बोल रही हाँ। वैसे भी मैंने लाल रंगी बाबे तो तेरे बारे पूछने की कोई लोड़ नहीं है, ये सब ड्रामा तो मैं शम्मी जी ने फसाउण लई कीता सी। परसनली मैनू इन्हां गल्लां ते बिल्कुल भरोसा नहीं है, जे ये बाबे बंदे दी किस्मत डिसाइड करदे तां ये बाबे रब ना बन जांदे। अर्शप्रीत भाभी बिल्कुल सही कह रहे ने, हुण तां तू खुश है ना? सरताज एक मिनट रुको,
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸੈਲੂਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ। ਬਸ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਜ ਵੀ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਤੇਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੰਮੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੌਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੁਕਿੰਗ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿਰਤ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਜਾ, ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਏ।
शायद आज तो बाद सब बदल जाएगा। आज तो पहले सीट तो सिर्फ कीरत बैठी सी, पर हुन मोटे ते हाथ रखन ते भी इन्हें कुछ भी नहीं किया। मतलब कि सरताज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें मेरे नाल रखे बढ़िया लग रहे। यही मौका है अर्शदीप, प्यार का जादू चले ही समझ। की होया सरताज? कुछ नहीं हो, मैं फ्यूल स्विच ऑन करना भूल गया सी। ये सही मौका है, मैनू कीरत नू दिखाउणा ही पएगा कि मैं मूव ऑन हो चुकिया ते मैं अर्शदीप नाल कितना खुश हूँ।